नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर में भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री माया सिंह ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए उपद्रव के बाद सुरक्षा के नजरिए से प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पूरे देश में अनेक आयोजन बाबा साहब की याद में किए जा रहे हैं। मैं भी आज ग्वालियर में हूँ और शिवपुरी जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर बाबा साहेब के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ था। हम सभी जानते हैं कि देश के निर्माण में, देश को संविधान उपलब्ध कराने में और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो चिंतन हो सकता है, बाबा साहब ने देश को दिया है। हम सबको बाबा साहब अंबेडकर जी के पक्षों को पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसके विकास में अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। जो समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय आगे बढ़ने की साथ ही साथ एक मंत्र और उन्होंने दिया, शिक्षित बनो। उन्होंने देश के संविधान और राष्ट्र की एकता, इन सब के लिए जो किया है वो इतना किया है कि जिसको राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर का भवन जो है बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और वो 18 महीने में ही बनके तैयार है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।